तभी हम पुरानी जेल रोड में आपको बता दें, तमाम बिजनेसमैन जो दुकान लगाते हैं रोड के बगल में, इससे जानेंगे कि 2-3 साल से जो रोड का स्थिति है दशा दिशा जो बदतर है। 16,000+ विद्यार्थी BPSC का एग्जाम देकर गया, तमाम राज्य से आया हुआ है, तमाम जिला से नवादा में आया है, जरा सा बूंदा बूंदी पड़ा है पूरे नवादा कीचड़ में तब्दील हो गया। अब तमाम बिजनेसमैन 2-3 साल से इस चीज़ को झेल रहे हैं, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जो रोड का स्थिति है तमाम नवादा के जेल रोड हो गया, पुरानी जेल रोड नवादा का हर्ट गोला रोड है, विजय बाजार है, उधर जो भी रोड है एक भी रोड सही नहीं है, बस सिर्फ हाईवे सही है। नेशनल हाईवे जो नवादा के बगल में है उसका स्थिति थोड़ा ठीक हुआ है, उसके अलावे पूरा नवादा में रोड का और प्लस जाम का जितना समस्या है, अगर यहाँ से बारसलीगंज जाना रहे, हिसुआ के तरफ से, गया तरफ से जो रोड आती है, प्लस बिहार शरीफ तरफ से जो रोड आती है, तो बारसलीगंज कौवा कोल जो नवादा का मेन इंटीरियर है उस तरफ जाने के लिए एक ही रोड है यहाँ से मात्र, और वो है यहाँ से होकर के गुजरता है रेलवे क्रॉसिंग घुंगटी पर, वहाँ पर से उधर से अगर जाने का मूड हो गया तो आदमी का मन सिहर जाता है। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन था हरिश्चंद्र स्टेडियम में, तो ये पूरा में मट्टी बिछ गया, लाल मट्टी, तो चकाचक हो गया। मंत्री आया था झंडा, हाँ, तो बाहर से जो लोग आता है नेता लीडर उसके लिए तो लगता है कि सब चकाचक है, तो 2-4 दिन बाद वही हो जाता है, वही मट्टी फिर उसमें पानी पड़ता है, फिर कीचड़ पड़ जाता है। तो ये रविशंकर कुमार थे, दवा दुकान चलाते हैं पुरानी जेल रोड में, पूरा नवादा का हम आपको आज दिखा रहे हैं, वीडियो क्लिप में आप देख रहे हैं, पुरानी जेल रोड का, गोला रोड का, टाउन थाना रोड का, तमाम रोड आपको नवादा के दिखा रहे हैं, मात्र आधा घंटा पानी पड़ा, स्थिति क्या है आपके सब सामने है, बाकी और लोगों से हम बात लेने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बोले नहीं आप, क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? भाग कर रहे हैं आप? हेलो हेलो सर, अच्छा भाग रहे हैं, देखिए तो कैसे बदलेगा व्यवस्था, जब लोग जिम्मेवार लोग बुद्धिजीवी लोग जो चीज़ों को समझते हैं व्यवस्था को समझते हैं, अगर वो भागेंगे वो बोलने से कतराएंगे तो व्यवस्था कैसे बदलेगा? किससे अपेक्षा किया जाए कि हमारा रोड हमारा सदर अस्पताल बदले? देखिए कैसे करके भाग गए, बाकी एक और है बुद्धिजीवी लोग, इनसे भी जानने समझने का हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राधा नवीन कुमार। पुरानी जेल रोड में तमाम डॉक्टर बैठते हैं, है ना, तमाम मरीज आते हैं, 10-5 हज़ार मरीज रोज इस रोड से गुजरते हैं, उसके बाद भी स्थिति ऐसा, परिस्थिति ऐसा, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, आज तक गड्ढा बना हुआ और क्या, जरा सा पानी पड़ता है गड्ढा और जब पड़ेगा तो पूरा पानी भर जाता है रोड पर, भर भर होना, इसी में लोग आते जाते हैं पानी में, क्या उपाय है? क्या करते हैं आप? क्या कहेंगे, कोई विकास का काम नहीं होता और क्या कहते हैं, सरकार कहती है इधर हुआ उधर हुआ, गंगा जल पहुँचावेंगे यमुना जल पहुँचावेंगे, गंगा जल से विकास होने विकास हो जाएगा गंगा जल पिलाने से, वो भी अभी तक नहीं नवादा में पहुँचा, सारा गड्ढा खोदा गया पूरे नवादा जिला टाउन का, सारा रोड बर्बाद हो गया, अभी तक वो भी नहीं आया है, क्या कहा जाए, क्या विकास होगा, अब क्या हो रहा है वो आप लोग आपके सामने देखिए। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। क्या करते हैं? दवा दुकानदार हैं। आपको बता दें पुरानी जेल रोड में तमाम दवा दुकानदार हैं, तमाम क्लिनिक आपको मिलेगा, 5-7-10 हज़ार लोग नवादा के यहाँ आते हैं अपने इलाज कराने के लिए, तमाम मरीज, उसके बाद भी इस रोड का ऐसा स्थिति है कि देखकर रोना आएगा। आप बने रहेंगे मघियाबाज के साथ, मैं सुनूँ, धन्यवाद।